तो दोस्तों, हमारे इंडिया में लगेज के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, क्या लेना चाहिए क्या नहीं, और इसके बारे में बहुत ज्यादा वीडियोस भी नहीं बने हैं। मैंने काफी सारे ट्रॉली की अनबॉक्सिंग करी है और उसके बारे में आपको डिटेल में बताया है, और उसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आया है। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये अवेयरनेस फैलाया जाए, और आज आपको मैं इसी तरह का एक इन्फॉर्मेशन देने वाला। तो ये है सॉफ्ट साइडेड लार्ज ट्रॉली बैग अमेरिकन टूरिस्टर का, और ये दूसरा भी अमेरिकन टूरिस्टर का है, बट ये है हार्ड ट्रॉली बैग या हार्ड लगेज, दोनों भरे हुए हैं सामान से। सो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर गैजेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ड लगेज एंड सॉफ्ट लगेज, मतलब हार्ड ट्रॉली बैग एंड सॉफ्ट ट्रॉली बैग में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो हम इसको भरा हुआ ही आपको डेमो दिखाएंगे। तो इसमें बेसिक आपको फायदा ये है कि इससे आपके सामान ज्यादा सुरक्षित रहेगा, ज्यादा सेफ रहेगा। इसको चूहे वगैरह जनरली काटते नहीं है। इसमें जिप वाला बस पोर्शन है जो कि फैब्रिक का है, बाकी हार्डन मटेरियल है। तो ये बेटर प्रोटेक्शन देता है सामान को। एयरपोर्ट में जब इसको थोड़ा हाइट से गिरता है, मतलब बेल्ट में, तो इसमें इम्पैक्ट उतना नहीं आता है, और ये फिर से शेप सेम ले सकता है। साथ ही फोर व्हील वाला ही लेना चाहिए जैसा मैं बोलता हूँ, तो इसलिए मैंने दोनों को फोर व्हील वाला ही यूज़ किया है। यहाँ पे हार्ड साइडेड में ये लॉक आपको फिक्स मिलेगा जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो इससे जो जिप और लॉक को ढूंढना नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे है, ये फिक्स है, तो आपको हमेशा यहीं से ओपन करना है। और सॉफ्ट वाले बैगेज का ये खास होता है कि आप ट्रेन वगैरह में आपको नीचे डालना है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, या उसको कोलैप्स कर सकते हैं, या फिर ज़रूरत है तो उसको एक्सपांड कर सकते हैं, फैला सकते हैं एक्स्ट्रा पॉकेट्स को। आपको यहीं से कई सारे पॉकेट्स का रीच मिल जाता है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं अगर ट्रैवल के बीच में आपको कुछ ज़रूरत है। हार्ड साइडेड में आपको एक ही सेगमेंट मिलेगा, तो आपको कुछ भी निकालना मुश्किल होगा क्योंकि इसमें एक ही जिप है, तो आपको मेन कंपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। ये थोड़ा सस्ता होता है, और दोस्तों जनरली फोर व्हील नहीं आता है, टू व्हील आता है, जो बहुत ही अनकन्वीनियंट होता है। अब हम मेन बात कर लेते हैं दोस्तों कन्वीनियंस की। तो आप हार्ड साइडेड ट्रॉली बैग को यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इजिली खड़ा हुआ है यहाँ पे, और आप इसको कैसे भी कर रहे हैं तो ये गिर नहीं रहा है, और बहुत ही स्टेबल है। हल्का सा इसमें वाटर प्रूफिंग भी मिल जाता है, अगर थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें इधर पड़ती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से क्लीन हो सकता है। ये सॉफ्ट वाले में हल्की सी बारिश की अगर बूंद पड़ती है तो गीला भी हो सकता है आपका ये फैब्रिक मटेरियल, और आपको साफ करने में भी दिक्कत होगा, इसको मेंटेनेंस भी इसका थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। और आप देख सकते हैं इसमें वेट जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे ही आप एक तरफ का पॉकेट एक्सपांड करते हैं तो इसका आप वेट देख सकते हैं, ये इधर गिरने को होता है, मतलब बहुत आसानी से ये हल्के से टच से भी गिर जाता है, स्टेबल नहीं रहता है, तो ये बहुत ही अनकन्वीनियंट हो जाता है बैगेज लेते समय। थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा फायदा मेरे हिसाब से नहीं है। इसमें भी सामान भरा हुआ है, तो ये हार्ड लगेज को मैं किधर भी गिरा रहा हूँ तो ये आसानी से नहीं गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कन्वीनियंट है, आप इसको बहुत ही आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, साथ में इसको आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वगैरह भी मिलता है। अभी ऑफर चल रहा है, और ऑफर बेस्ट समय होता है ट्रॉली बैग लेने का। कभी भी ट्रॉली बैग ऑफलाइन ना लें, क्योंकि वहाँ आपको 60% तो दिखाएगा, वो बेसिक प्राइस होता है, 50% डिस्काउंट तो आपको हर जगह मिलेगा ही, तो आप कम से कम 60 या अबव डिस्काउंट पे ही ट्रॉली बैग लें, चाहे ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन। अभी काफी अच्छी डील मिल रही है, तो अभी आपके लिए बेस्ट समय है ट्रॉली बैग लेने का। दोस्तों, आपको जो सबसे सस्ते या सबसे अच्छे ट्रॉली बैग्स हैं वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बावजूद आपको अगर जरूरत है सॉफ्ट ट्रॉली बैग की, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। साथ ही अमेरिकन टूरिस्टर का ये ट्रॉली बैग काफी अच्छा है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। 55 सेंटीमीटर का है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको अगली बार मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। दोस्तों, अभी हम आए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल जिसका नाम है मांडवा वाटर।